बारिश के दो महीना पहले से मैं कम से कम 7-8 कंप्लेंट दे चुका हूँ इधर रोड के विषय में। वो बारिश में जो पेचवर्क का घोटाला है, साल का महानगर पालिका 12 करोड़ रुपए देती है ये पेचवर्क के लिए, वो 12 करोड़ रुपए कहाँ जाता है, वो आज पेच भरते कल निकल जाता है। तो मेरी पूरे मीरा भाईंदर की वही स्थिति है, जिधर जाओ उधर सब रास्ते पूरे खराब है, आप लोग देखते हैं आते जाते, तो पब्लिक सब परेशान है मेरे यहाँ पे। कम से कम 100-150 लोग एक हफ्ता पहले आए, बोले सर इसके लिए कुछ करो, तो मैं गुरव साहब से बात किया, बोले गुरव साहब इसमें कुछ आवाज़ उठाते हैं कुछ करते हैं। एक महीना पहले मैंने उनको पहले लेटर दिया कि हम लोग आंदोलन करेंगे अगर ये रोड रास्ते नहीं हुए, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी उसको। उसके बाद में मैंने 15 दिन पहले फिर लेटर दिया, 15 दिन पहले लेटर देने के बाद में उन्होंने हमको 15 दिन का टाइम मांगा, आज 15 दिन बोलेंगे तो लगभग हो ही गए, अभी तक कुछ उस पर हुआ नहीं, इसके लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी इसमें वापस उन महानगर पालिका ने मेरे को वो लेटर का जवाब परसों दिया है, तो उस जवाब में उन्होंने ये दिया है कि जो रोड के गड्ढे हैं वो टेलीफोन की लाइन डालते हैं या जो भी साइट का, तो वो साइट में रोड खोदा जाता है, तो जो टेलीफोन एक्सचेंज वाले या जो भी खोदते हैं वो लोग खुद बंद करते हैं। हमारा जो मुद्दा है रोड के बीच खड्डों का है, वो लोग हमको गुमराह कर रहे हैं वो लेटर दे के। सर दूसरा एक सवाल है कि मुंबई से जब भाईंदर वाले लोग आते हैं बोरिवली में, कोलकाता में हमेशा हर साल ट्रैफिक का रहता है, इसके लिए कुछ करने वाले हैं? उसके लिए हमारी पार्टी ने बीच में आंदोलन भी किया था टोल हटाने के लिए, तो उसमें हमारे हितेंद्र ठाकुर अप्पा साहब कुछ बात भी की उस विषय पे, तो आगे हम लोग करने वाले उसको। अपन ये करेंगे किस तरह का कोई इसमें ये नहीं होना चाहिए, जितने भी अपने भाई हैं सब अपने को शांति से इसको करना है आंदोलन को।